हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप जी। फ्रेंड, आज हम लेसन नंबर 120 करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज इसमें के जो है ये साइलेंट होगा। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है इल्म की शाखें। इल्म की शाखें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से इल्म हैं, आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ उलूम को जानेंगे, उनके क्या नाम हैं और वो किस किस चीज का इल्म है। वीडियो पूरी देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जो नॉलेज है ये बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है, आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं जी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है इल्मे नजूम को। ठीक है, सितारों के इल्म को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी को कैसे हमने प्रोनाउंस करना है उसको भी मैंने उर्दू में साथ लिख दिया है। जिनको अभी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती वो कोशिश करें कि इन लेटर्स को हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे इनको पढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है सितारों के इल्म को। आगे आ जाता है बॉटनी। बॉटनी, बॉटनी कहा जाता है इल्मे नबातात को, यानी पौधों के इल्म को बॉटनी कहा जाता है। फिर आ जाता है कार्टोमेंसी। कार्टोमेंसी कहा जाता है ताश के पत्तों का इलम जो होता है। ठीक है, उसे कहा जाता है कार्टोमेंसी। नेक्स्ट है क्रोमाटोलॉजी। क्रोमाटोलॉजी कहा जाता है रंगों के इलम को, इट मींस इल्मे रंग। ठीक है, क्रोमाटोलॉजी, क्रोमाटोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी कहा जाता है दरख्तों के इलम को, इल्मे अशजार। ठीक है, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री कहा जाता है दांतों के इलम को या दंदान साजी को, डेंटिस्ट्री। ठीक है, डेंटिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहा जाता है जिल्द के इलम को, स्किन के इलम को। ठीक है, इल्मे साख जिल्द या जिल्दियात को, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है ड्रामाटर्गी। ड्रामाटर्गी कहा जाता है इल्मे तमसील को, यानी ड्रामा नवीसी के जो असूल हैं उसको कहा जाता है ड्रामाटर्गी। ठीक है, फिर आ जाता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी कहा जाता है खानदानी तरीक के इल्म को, यानी इल्मुल अनसाब, जीनियोलॉजी। नेक्स्ट है जियोमेंसी। जियोमेंसी, जियोमेंसी कहा जाता है इल्मे रमल को। ठीक है, जियोमेंसी। नेक्स्ट है जियोमेट्री। जियोमेट्री, जियोमेट्री कहा जाता है हिंसों के इलम को। ठीक है, इल्मे हिंसा, जियोमेट्री। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियोलॉजी कहा जाता है जमीन के इलम को। ठीक है, या इल्मे तबकातुल अर्ज, जियोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी कहा जाता है इल्मे तहरीर शनासी को, ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट है गायनाकोलॉजी। गायनाकोलॉजी कहा जाता है इल्मे अमराज़े निस्वा को या तिबे जिचगी को, इट मींस औरतों की बीमारियों का जो इलम होता है उसको कहा जाता है गायनाकोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी कहा जाता है खून की बीमारियों के इलम को, हेमाटोलॉजी। ठीक है, इल्मे अमराज़े खून। नेक्स्ट आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, काश्तकारी के इलम को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर या फने बागबानी जी। फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी कहा जाता है इल्मे आबियात को, यानी पानी के इलम को, बहरियात, हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी कहा जाता है इल्मे धातकारी को। ठीक है, धातों के इलम को कहा जाता है मेटलर्जी।
नेक्स्ट है मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी कहा जाता है इल्मे मौसमियात को, मौसमों के बारे में जानने वाले इलम को कहा जाता है मेटियोरोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी कहा जाता है इल्मे मादनियात को, मिनरल्स क्या होते हैं ना, मिनरल्स मादनियात, मिनरोलॉजी मादनियात के इलम को कहा जाता है मिनरोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी कहा जाता है असाब के इलम को, इल्मुल असाब या असबियात, न्यूरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नंबरोलॉजी। नंबरोलॉजी यानी नंबर्स के इलम को कहा जाता है नंबरोलॉजी, इल्मुल अदाद या अदाद का इलम, नंबरों का इलम, नंबरोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स कहा जाता है इल्मे तौलीद को या इल्मे दाईगीरी को, ऑब्स्टेट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी, ओशियानोग्राफी कहा जाता है इल्मे बहरियात को। ठीक है, ओशन कहते हो ना समुंदर को, इल्मे बहरियात या ओशियानोग्राफी। नेक्स्ट आ जाता है ऑफ्थल्मोलॉजी। ऑफ्थल्मोलॉजी कहा जाता है इल्मे अमराज चश्म यानी आंख की बीमारियों के इलम को कहा जाता है ऑफ्थल्मोलॉजी। ऑफ्थल्मोलॉजी ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी कहा जाता है इल्मे हरूफ को, ठीक है, हरूफ के इलम को या इमला और हिजो के इलम को कहा जाता है ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है मसल्स यानी पट्ठों और हड्डियों के इलम को, ऑर्थोपेडिक्स। नेक्स्ट आ जाता है पामिस्ट्री। पामिस्ट्री कहा जाता है इल्मे दस्ते शनासी को या हाथों की लकीरों के इलम को, पामिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कहा जाता है इल्मे तशखीसे अमराज या अमराजियात, पैथोलॉजी। नेक्स्ट है पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स कहा जाता है बच्चों की बीमारियों के इलम को, पेडियाट्रिक्स। ठीक है, इल्मे अमराज अतफाल या बच्चों के अमराज का इलम, पेडियाट्रिक्स। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी कहा जाता है इल्मे मादनियात को। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी कहा जाता है इल्मे दवा साजी को, ठीक है, दवाइयां बनाने वाले इलम को कहा जाता है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है फिलॉसफी। फिलॉसफी कहा जाता है इल्मे हिकमत या फलसफे को, ठीक है, हिकमत के इलम को फिलॉसफी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी कहा जाता है इल्मे अफालुल अज़ा यानी उज़वियात को, ऑर्गन्स के अफाल के इलम को कहा जाता है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है फिजियोग्नोमी कहा जाता है इल्मे कियाफा को, इट मीन्स कियाफा शनासी को, फिजियोग्नोमी। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजी। यहाँ पे पी जो है ये साइलेंट होगा, ठीक है, इसे लिखा जाएगा लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाएगा। साइकोलॉजी कहा जाता है जज्बात के इलम को या नफ्सियात को, साइकोलॉजी। नेक्स्ट है साइकियाट्री कहा जाता है इल्मे अमराज़े दिमाग को यानी दिमाग की बीमारियों के इलम को कहा जाता है साइकियाट्री। यहाँ भी पी जो है साइलेंट होगा, ठीक है, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, साइकियाट्री। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी कहते हैं जराही के इलम को, सर्जरी। नेक्स्ट और लास्ट है जूलॉजी। जूलॉजी कहा जाता है इल्मे हीवानात को या जानवरों के इलम को, जूलॉजी। ठीक है जी फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा और आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, अच्छी लगी है, इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।